बंदा नवाज बाबा जी लजपाल अपने मलफूजात आलिया से नवाजेंगे सदाए चूरा शरीफ। आमीन आमीन आमीन। हस्ब वादा, चूंकि टाइम इस तारीख का 10-15 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट, तो माइकल वाइंड अप भी करनी है, दुआ भी करनी है इन कलामात के साथ कि जितने भी दोस्त अहबाब आए हैं, उलमा हैं, ला खान हैं, देरीना दरबार के कासिम शेख साहब हैं, खुलफा हजरात बैठे हैं, मेरे इलाके के दाएं बाएं या सारो जमीन के मेरे करम फरमा तशरीफ फरमा है, मैं सबका तह दिल से मशकूर और ममनून हूँ। आप लोग चल के आए, बड़ा लंबे लंबे सफर करके आए, दुनियावी नुक्ता नजर से अखराजात मामला महंगाई का दौर है, तो आप लोग चल के आए। मीना शरीफ में कुछ हाजी जो थे हजरात वापस में उलझ गए, उनको कुरान करीम की आयत का दर्स दिया गया कि वला वसू का वला जदा, तो एक बुजुर्ग वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त ये पोजीशन है कि इन हुजाज को अगर ये कहा जाए ना कि ये सामने अल्लाह करीम जो है वो जलवा फरमाए, तो हो सकता है कि ये अल्लाह करीम से भी शिकवा करें, और ये एहसान है करते हैं कि हम अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आए। दूसरी बात, मेरे गरीब नवाज बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि भाई बच्चो संगियो, जो साडा दौर सी ना, तो उदो साडे दोस्त है बाप कहते सन हजूर साडी अर्ज ये वे अगो जिस तरह जनाब का हुक्म, तो बच्चो जिस तरह तुहाडा दौर आवेगा ना तो तुहाडे कोल बहण वाले कहणगे साडा हुक्म है वे अगो जिस तरह तुहाडी मर्जी, और वो आया होया मैं देखना। इस हसीन जमील महफल यादगार सैयद सैयद शोदा के मौका के ऊपर सिर्फ एक पैगाम जो है वो आपकी समातों की नजर करूंगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट बस। मेरे आका करीम की जानशीनी का सिलसिला चलते 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 मौला हसन मुज्तबा तक पहुंचा। ये वो शहजादे हैं जो खातून जन्नत के पहले बेटे हैं, ये वो शहजादे हैं जो मौला कायनात के पहले बेटे हैं, और ये बड़े हैं, जान नशीन है मौला कायनात के से ज्यादा नशीन है, बड़े हजरत साहब हैं, बड़े पीर साहब हैं, बड़े बाबा जी। शॉर्ट शॉर्ट में बात करता हूं, उलमा की तवज्जो चाहूंगा कि आपने इन अरशादात आलिया के साथ कि अगर खिलाफत मेरा हक है, सबने कहा जी आपका हक है, तो आपने फरमाया कि फिर मैं सैयदना अमीर मुआविया के हक में दस्त बरदार हूं, फिर फरमाया कि अगर ये सैयदना अमीर मुआविया का हक है तो मैं अली का बेटा हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मैं किसी का हक मारने को तैयार नहीं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया चूरा शरीफ, फैजाने खाजगाने चूरा शरीफ। इन जमाने खिलाफत आपने सपोर्ट कर दी, अगर कोई खामी नजर आती, कोई शरीयत मुताहरा का बागियानों पर नजर आता, शरीयत मुताहरा से कोई कज रवी नजर आती, कानून इलाही से कोई बागियाना पन नजर आता, तो जरा सोचने की बात है साहब इलम लोग हो कि हजरत इमाम हसन उसके हक में दस्तबरदार होते, छोटे पीर साहब जो है वो तो उलझ पड़े,
क्यों गुर्जे उनके मौजूदगी में ये निजामे खिलाफत सपोर्ट किया गया, इतराज नहीं किया। अगर कोई खानवादा रसूल के साथ बुख और हसन की बू होती तो मेरा ख्याल है कि हसन मुश्तबा जैसा सुलोकुन आदमी, बारीक भी आदमी और दूरंदेश आदमी, पाकीजा ख्याल, पाकीजा सोचों का मालिक कभी नहीं बना। मगर जब बारी आई मेरे मौला हुसैन की, उधर से खिलाफत उधर चली गई। आज एक तो हदीस को हम याद करते हैं कि वो को हदीस करतास के जी आता करी मेरे फरमा मुझे कलम कागज ला के दो, जिस जबान को सब कुन की कुंजी का है, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी का है। ये लिख के तो नारे तकबीर, ये लिख के तो नहीं दिया कि मेरे खान वादे के साथ मोहब्बत करना, कि लिख दिया अरशाद फरमाया, ये अरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा से मोहब्बत करना, लिख के नहीं दिया। तो यहां लिख के देने की क्या जरूरत है? जिनका फरमान फरमाए हुए फरमान फरामी आज भी सियासतता की सूरत में, गैर सियासतता की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, क्या जरूरत है? मगर उसको तो याद रखा हुआ है। मगर जो फरामीन सरकार अमीर मुआविया ने कहे थे यदि पलीद को, कभी उनको भी दोहराओ, कभी फर्क गर्दानी करो, पर उन्होंने क्या अर्शाद फरमाया था? मगर जब उसे बागियानापन इख्तियार किया, शरीयत मुताहर से बागियानापन इख्तियार किया, कानून इलाह से रू गर्दानी की, तो जाहिर है कि फिर खानवादे रसूल का जो मामला था वो तो गर्मी में आना ही था। उनका मैं सब कुछ कर सकता हूं, अतात करूं ना करूं, मगर मैं बैत तेरी नहीं कर सकता। और फिर देखने वालों ने आखिरी बात ये नजारा भी देखा कि जिस सर को झुकाने के लिए इतने जतन किए गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सर को झुकाने के लिए इतना एहतमाम किया गया, वही सर मुबारक जब चला तो उनके सरों से नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने खाजगाने चूरा शरीफ। अपने सर बुलंद करने वाले पलीतों के सर झुके हुए थे और वो सर जिसको नीचा करना चाहते थे वो सर उनसे ऊंचा था, कयामत की सुबह तक वो सर ऊंचा रहेगा। और वो सर जो सजदे में था आज भी सजदे में आए, कयामत की सुबह तक सजदे में रहेगा। और एक वो सर जब यौमे माशर सजदे में होगा तो फिर मेरे आका करीम क्या हुक्म होगा? अल्लाह की तरफ से सर को उठाओ, सर उठेगा झुकेगा, उठेगा झुकेगा, आखिर पे एक ही आरजू होगी कि मेरे अल्लाह मेरी उम्मत जो है ये मिस्कीन है ख्याल। तो आप मेरे ख्याल साथियों इन झगड़ों झमेलों में ना पड़े, एहतराम करें, इज्जत करें, अपने अकीदों को पुख्ता करें, अपनी अकीदत और मोहब्बत और इरादत सहाबा पाक के साथ, आले रसूल के साथ, बुजुर्गान दीन के साथ, सब सालहीन के साथ, औलियाए कामिलीन के साथ बगैर किसी लायतुल्लाह के मजबूती से रखे, मजबूती से पकड़े। अकीदा सलामत है तो सब कुछ सलामत है, बेशक बेशक। अगर वो ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला आमाले सवाला की तौफीक अता फरमाए। इफ्तारी का वक्त करीब हो गया, दुआ करते हैं आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद व अला आले सैयदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। मौला कुदूस, ये मोहब्बत के फूल, ये मोहब्बत के गजरे, ये दुरूदो और सलातो सलाम की डालियां तेरी बारगाह में हाजिरी है तो कबूल मंजूर फरमा। आका करीम की बारगाह में हाजिरी है तो कबूल फरमा। आका करीम के तवस्सुल से तमाम अंबिया और रसूल सहाबा पाक सहाबियात अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन अबनाते रसूल खातून जन्नत जुमला अहले बैत अतहार अशरा मुबशरा ताबईन व तबा ताबईन शोएबद शोदाए बदर शोदाए उहुद और बिलखसूस में तख़सीस शोदाए करबला शोदाए करबला।
शोदाए करबला बहुत सारा कलाम पाक दरूद पाक जिसमें मुझ मिस्कीन का भी एक हदिया शामिल है, माधूरी की हालत में भी है, जैसे भी है वो हदिया शामिल है। इसलिए दुआ की थी अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह ये हदिया मुकम्मल हो, उधर अछूरा हो, आज वह औखे सौखे हदिया मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला मैं मिस्कीन की तरफ से भी वो हदिया कबूल फरमाए। शोदाए करबला की बारगाह में हाजिरी है जिन साथियों ने, बच्चों ने, बेटों ने, बेटियों ने, बाबा जी की बेटियों ने ये मेहनत के साथ लाखों करोड़ों मरतबा दरूद शरीफ है, कलमाते तैयबात है, कुरान करीम है, जो सब की तरफ से हम मिस्कीनों की तरफ से इमामैन करीमैन हसनैन करीमैन की बारगाह में, आपके तमाम रफका की बारगाह में, तमाम माइया पाकों और बीबियों पाकों की बारगाह में ये हाजिरी है। हदिया तोहफा मेरे अल्लाह को कबूल फरमा। या अल्लाह करीम उनके तवस्सुल करीमा से हमारी हर घड़ी मुश्किल आसान फरमा। मेरे अल्लाह हमारे लिए आसानियां अता फरमा। या अल्लाह हमें भी ताबेदारी की तौफीक अता फरमा और हमारी औलादों को भी ताबेदारी की तौफीक अता फरमा। सुन्नत मुताहिरा सुन्नत मुताहिरा सुन्नत मुताहिरा पे चलने की तौफीक अता फरमा। पाक बादों और पाक दामनों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। अपनी रहमतों बरकतों और नेमतों से माला माल फरमा। जमी आफात और बलियात से महफूज फरमा। फकीर खाने के साथ मुंसलिक है सारे साथी सारी संगत मेरे अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा, दुआई कबूल फरमा, इल्तजाई कबूल फरमा, सदाई कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अला मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन।